अम्मा मैं जवान होकर बिल्कुल ऐसे ही हो जाऊंगा। ये क्या होगा जाऊंगा लगाई हुई है, और कल से तू मुझे इस पैंट शर्ट में नजर ना आए, कल से तू शलवार कमीज और दुपट्टा 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 ये क्या तुमने डायरी मुझे बना ली? जाओ साबुन से अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ करो, जाओ। क्या तुम्हारा बाप कम था जो तुम भी? मुझे बनाकर पक्की पक्की मर्द लग रही थी, एक लम्हे को तो मुझे हंसी भी आई, दूसरे लम्हे एक सर्द सी लहर मेरे बदन के आर पार हो गई। सना कितना बुरा चेहरा लगता है, और तब जो है ना, वैसे डॉक्टर कहते हैं कि हार्मोन्स की वजह से औरत के ऊपर वाले हॉर्न और थोड़ी भर रुआ आ जाता है। कितना बुरा लगता है ये रुआ, बड़ी बड़ी क्राइट सी आती है ना। हाँ, अगर इक्का दुक्का बाल हो तो इंसान कैंची से भी काट सकता है ना। मैं जब इसकी उम्र का हिसाब जोड़ने बैठती हूं तो एक खौफ सा महसूस होता है। इस साल के आखिर में पूरे 13 बरस की हो जाएगी, बच्ची नहीं रही अब वो। इस उम्र में लड़कियों को बहुत भूख भूख के कदम रखना पड़ता है, और ये कैसी लड़का बनी फिरती है, कैसी लड़का बनी फिरती है। खौफ आता है मुझे, मुझे खौफ महसूस होता है। वहां हिंदुस्तान में इंदौर में हमारी एक फूफी हुआ करती थी, हुसूरी फूफी, वो तक के तीसरे नंबर पर थी, वो भी पूरे मर्द बनी रहती थी, पाजामा कुर्ता वास्केट नेहरू वाली टोपी। अल्लाह बख्शी दादी कहते कहते गुजर गई, मगर उन्होंने शादी नहीं की। अब सुना है पड़ोस के गांव में हाल चलाती है, अपने हाथों से गल्ला उगाती है, और एक औरत भी रखी हुई है। खौफ आता है मुझे, खौफ आता है उसकी फूफी के अंजाम से, खौफ आता है मुझे तहसील सारा के अंजाम से, बहुत खौफ आता है, बहुत खौफ आता है।
तुम्हारे अबरू तीर कुमान जिगर विच कसले ढोलिया नेड़े नेड़े बसवे ओए मेरा शहजादा जाने वाला। अबे किधर था भाई, बड़े दिनों बाद आया है। बैठ। सही बात है, खूबसूरत दोस्त है भाई। ये बदसूरत दोस्त किधर याद आया होगा है? ओ यार बस इम्तिहानों में मसरूफ था। तेरे इम्तिहान की तो अबे इसका तू क्या करता है? क्या करता हूँ? चेहरे के बाल शेप बनाता हूँ, शेप दाढ़ी मूछ। हाथ लगा के देख कैसी रेगमाल जैसी जिल्द हुई हुई है। तू ना किया करना। अबे अगर ना करूँ ना तो ये बड़ी बड़ी मूछे निकल आए मेरी। औरतों की भी मूछे निकलती है? ओह मेरा मतलब है तेरी मूछे कैसे निकली? निकल आती है कुछ कुछ के। 14 बरस का था ना मैं, बड़ा रुआ था भाई, इतना रुआ था मुंह पर सारे लड़के कैसर मुच्छड़ कह के छिड़ा करते थे। मोहल्ले वालियां शर्माती थी, दो चार ने तो लाइन भी दी। क्या हुआ? अच्छा लगा तेरा ये अंदाज़।